नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी गणित की पुस्तक गणित का जादू पांचवी कक्षा में डिब्बे और स्केच हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं। हम आपको 3D और 2D आकृतियों के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। अब ये पेज नंबर 132 पर माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से इस प्रकार यह एक पुल बनाया। आप देखते हैं आसपास बहुत सारे पुल। जब ये एक पुल है, जब यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं खड़ा था, वहां से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। आपको चित्र में पुल दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने वास्तव में बनाया है। आप भी माचिस की डिब्बियों से इस प्रकार का पुल बनाकर उसको आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से देख सकते हैं। ये पुल वहां से दिखाई दे रहा है और जब इस पुल को इधर से देखा तो ये पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है, इस देखो इधर से देखने पर पता चलेगा कि पुल की ऊंचाई कितनी है। ये पुल की ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, पुल की ऊंचाई। तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पुल कितना लंबा है। अब यहां से देखो, इस चित्र से पता लगेगा पुल कितना ये लंबा है। पुल की लंबाई का पता चलेगा और ऊंचाई का भी यहां से पता चल सकता है। तो यहां से दो चीजों का पता चल रहा है, किस किस का, एक तो पुल की ऊंचाई का और दूसरा पुल की लंबाई का। लेकिन यह पता नहीं चलता कि पुल कितना चौड़ा है। तो पुल को चौड़ा देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से देखना पड़ेगा। अगर तुम पुल के ऊपर से देखो यह कैसा दिखाई देगा, देखो यह दिखाई दे रहा है। पुल ऊपर से देखने पर कहाँ दिखाई देगा, खे दिखाई देगा, क्लियरली खे जैसे दिखाई देगा हमें। ये सही चित्र में अपने ख पर निशान लगा देना है। जब आपने पुल को ऊपर से देखा तो पुल की ये लंबाई दिखाई गई और चौड़ाई दिखाई गई। इस प्रकार से 3D आकृतियों में तीन चीजें होती हैं, एक लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को एच कहते, चौड़ाई को बी कहते हैं और ऊंचाई को एच कहते हैं, यानी कि हाइट। तीन चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस प्रकार से आपके पास त्रिआयामी आकृतियों में ये तीन चीजें आपकी होती हैं। आज हम इन्हीं आकृतियों के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। अभ्यास का समय। इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ कि ये मैंने चित्र बनाया है। आपने भी इसी प्रकार से माचिस की डिब्बियों से एक पुल बनाना है और पुल बनाने कर देखना है ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर से देखने पर यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इसका चित्र बना लें। इस प्रकार से ऊपर से देखने पर एक आयताकार चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमें पुल की लंबाई और पुल की चौड़ाई के बारे में पता चलेगा। ये पुल की लंबाई है हमारी और ये पुल की चौड़ाई है। ऊपर से देखने पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सामने से पुल को ध्यान से देखो। पुल ध्यान से देखने पर सामने से कुछ इस तरह का दिखाई ये देगा। अगर आपने सामने से पुल को देखा तो ये पुल की ऊंचाई और ये पुल की लंबाई, तो सामने से पुल की हमें ऊंचाई भी दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार से इस पुल की 3D आकृति है। 3D आकृतियों में ऊपर से देखने पर ये आयताकार दिखाई देगा जिसमें आप लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगा सकते हैं, जबकि सामने से देखने पर आपको इसकी ऊंचाई भी दिखाई देगी। तो इस प्रकार से एक पुल 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन आकृतियां होती हैं। अगर हम इस पुल को इस तरफ से देखें, एक तरफ से देखते हैं, तो एक तरफ से देखने पर यह कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे कि चित्र मैंने ये बनाया हुआ है। आपको, आप भी बना सकते हैं चित्र ये। इसमें आपको पुल की ऊंचाई आसानी से दिखाई दे जाएगी और इसमें चौड़ाई भी दिखाई दे जाएगी आपको पुल की। ये इतनी चौड़ाई है, यहां से आप चौड़ाई का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो पुल की दो चीजें दिखाई देंगी आपको, ऊंचाई और चौड़ाई। माचिस की डिब्बियों से इसी प्रकार आप एक मॉडल बनाओ जो कुछ इस तरह के दिखाई दे। माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो ऊपर से इस प्रकार दिखाई दे।
ऊपर से देखने पर इसमें आपको 5 डिब्बियां दिखाई दे रही हैं, परंतु इसकी तहों का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितनी तहें हैं इनका हमें कोई अंदाजा नहीं है, परंतु ऊपर से हमें 5 दिखाई दे रही हैं। अगर हम सामने से देखें तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं। इसमें 4 एक तरफ मत्स्य हैं, 3 एक तरफ और 2 बीच में। तो इस प्रकार सामने से हम पुल को, इसको मॉडल को बड़ी आसानी से बना सकते हैं एक साइड से। अगर हम इसको एक साइड से देखें, ये 4 साइड वाली से तरफ से देखने से बनेगा हमारा, 4 साइड और एक पे दिखाई दे रही है हमें, 4 और ये 1 दिखाई हमें दे रही है। तो इस प्रकार से इस पुल को हम बनाने की कोशिश अब करते हैं। इस प्रकार ऊपर से हम 5 माचिसों को रखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 माचिस रखेंगे, परंतु इससे हमें तहों का अंदाजा नहीं होगा। हमें इस 5 माचिसों को रखने से हमें ये वाला ऊपर से देखने वाला चित्र, हमें ये प्राप्त होगा। इस चित्र से हम इस प्रकार का चित्र आसानी से बना पाएंगे। अब अगर हम इसको साइड से देखें, साइड से देखते हैं, सामने से देखते हैं, पहले हम सामने से देखो। सामने से देखने पर ये 1, 2, 3, 4, 4 माचिस एक तरफ थी, 2 बीच में और 3 इस तरफ। तो सामने से देखने पर ये हमारा कुछ इस तरह से पुल बनेगा। इस चित्र से हम इस प्रकार का आसानी से बना सकते हैं। सामने से ये था और हमारा बनेगा ऐसा। अगर इसको हम साइड से देखें, साइड से देखने पर वहां हमें 4 और 1 5 माचिस दिखाई दे रही हैं। तो अब सामने से देखने पर, एक साइड से देखने पर हमें ये था। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉडल, हमारा इस प्रकार से ये तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप घनों का और घनाभ का एक मॉडल बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कितनी माचिसें हो सकते हैं। चलिए मैं एक और आपको बता करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने ये एक घनाभ बनाया। क्या बनाया? एक घनाभ। आप बता सकते हैं ऊपर से देखने पर कि इसमें कितनी माचिस की डिब्बियां इस्तेमाल की गई हैं, इसमें कितनी माचिस की डिब्बियां प्रयोग की गई हैं। ऊपर से देखने पर आपको पता चलता है कि इसमें 6 डिब्बियां प्रयोग की गई हैं, परंतु जब आप साइड में जाएंगे तो साइड में जाने से आपको पता लगेगा कि 6 डिब्बी ऊपर है, 6 डिब्बियों के नीचे 6 डिब्बी की एक बर्थ और लगा रखी है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 12 डिब्बियां हैं। तो ये 12 डिब्बियों का एक हमारा घनाभ बनाया गया है। अगर मैं इसमें से ये कुछ डिब्बियां, ये डिब्बी हटा देता हूं, तो आप देखिए ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें आप बता सकते हैं कितनी माचिस की डिब्बियां इस्तेमाल की गई हैं। आप देखो, ऊपर वाले परत में 5 और नीचे वाले परत में 6 डिब्बियां प्रयोग की गई हैं, तो इसमें 11 डिब्बियां प्रयोग की गई हैं। अगर मैं इस माचिस की डिब्बी को यहां रख दूं और इसको यहां रख दूं, इस प्रकार से आप अब बताओ कि इस चित्र में, इस मॉडल में कितनी माचिस की डिब्बियों का इस्तेमाल किया गया है। को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर हमें पता चल जाएगा कि इसमें 6 माचिस की डिब्बियां हैं। और सबसे ऊपर वाली रो में कितनी है, अब अगर यहां से देखें हम, तो हमें पता लग जाएगा सबसे ऊपर वाली लाइन में 2, उससे नीचे वाली में देखो ये 2 है ना, 1 और 2, तो 2 के नीचे 2 के नीचे 2, तो 1 यहां रखी है। सबसे पहले वाली लाइन में 6 की 6 पूरी है, उससे अगले में 2 नहीं है, यानी कि उसमें 6 में से 2 कम है, 4 है ना, तो 6 और 4 10, और सबसे ऊपर वाली में केवल 2 ही माचिस की डिब्बियां रखी है। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितनी माचिस की डिब्बियां हैं, ये 12 डिब्बियां हैं। इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम घन से और मॉडल बनाएंगे। मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।